2000, 28 फरवरी 2002 को क्या हुआ था? सुबह में हम हमारा काम कर रहे थे, 9-10 बजे का टाइम था, 1 मार्च की बात है। हाँ, और उसी वक्त तो हमारे एक तरफ से घर जल रहा है और लूटपाट हो रहा था, और हमारी खाला बीबी करके नाम है, वो दौड़ के आए उधर से, चलो चलो निकलो, घर जल रहा है, लूटपाट हो रहा है, अपने को मार डालेंगे, चलो निकलो घर में से। तो फिर हम उधर से निकल गए, उधर रास्ते पे हम गए, इतने में हमारे पर हमला हो गया। दो गाड़ी आई थी हमारे गांव से, तो उन्होंने हमारे पर हमला कर दिया कि ए रे मुसलमान, मारो काटो उसको, छोड़ो मत। फिर हमारे पर हमला किया, हमारे कपड़े फाड़ डाले, हमारी माँ बहनों को, भाइयों को, मेरे चाचा ससुरा, मेरे मामा थे, मेरी फोई थी, उन सबको मारने लगे, हमको, मेरे को भी मारने लगे। मेरी बेटी 3.5 साल की मेरी गोद में थी, उसको लेके पटक दिया नीचे। फिर मेरे को पकड़ के, दो जन पकड़ के ले गए मेरे को, और 3 जन ने मेरे पर बलात्कार किया। और मैं देखती रही कि मेरे परिवार को मारो मत, छोड़ो, छोड़ दो उसको, तो भी उन्होंने छोड़ा नहीं, हमको मारने लगे, सबको मार डाला मेरी आंखों के सामने। बच्ची को भी मार दिया, और 2 दिन की लड़की को भी मार दिया। हम 17 लोग थे और सबको मार डाला। इनमें से हम 3 बच गए, तो 2 लड़के बचे और ये। आप कैसे बच गए? उसके बाद मेरे एक दो घंटे के बाद मुझे होश आया, तो मैं सबको देख के, मैं छुप के एक पहाड़ था उस पर चली गई। फिर वहाँ मैं छुप के बैठी रही, सबको मार डाला है, और अब मैं क्या करूँगी, अकेले मैं कहाँ जाऊँगी। फिर मैं अल्लाह से दुआ करती रही कि अल्लाह मुझे बचा लेगा, मुझे बचा लेगा। फिर वहाँ एक रात और एक दिन रुकी पहाड़ पे अकेले, ठंड में, कपड़े भी नहीं थे, शरीर पे चलना था, उधर पड़ा हुआ था, अपने पहन लिया मैंने। प्याज भूख बहुत लगी रही है, तो मैंने एक हैंडपम्प नीचे, मेरे को नजर उधर लगी, तो मैंने देखा हैंडपम्प दिख रहा है, तो मैं पानी पीने के लिए नीचे उतर जाऊँगा। तो मैंने हिम्मत करी कि अल्लाह ने मुझे जिलाई है तो जिलाएगा, और मैं ऐसा करके हिम्मत करके नीचे उतर गई। मैंने हैंडपम्प फिर गई, तो वो लोग भी मुझे मारने लगी कि कौन आया है इधर, कपड़े भी नहीं भी मुझे मारने लगे। तो मैं उनके वैसी भाषा बोली कि मैं तुम्हारे वाली हूँ, मुझे मारो मत। तो उन लोगों ने मुझे पानी पिलाया और मैंने कपड़े मांगे, ब्लाउज और ओढ़ना, तो उन्होंने दिया मेरे को। फिर मैं पुलिस की गाड़ी देखी मैंने, तो उधर मैं चली गई, उधर मैंने बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है हमारे परिवार वालों को, सबके साथ ऐसा हुआ है, उनको मार डाला है, और मुझे ले चलो सर, मुझे मार डालेंगे। वो लोग मुझे लिमखेड़ा पुलिस स्टेशन ले गए। पुलिस स्टेशन में दूसरे दिन मैंने FIR दर्ज करवाई, तो उन्होंने मुझे धमकी दी कि तू ये सब लिखा रही है तो तुझे मार डालेंगे जेहर का इंजेक्शन लेके। फिर आप अपने पति से कैसे मिली? हमारे पति आए फिर 10-15 दिन के बाद आए थे कैंप में। तब तक आप कैंप में थी? हाँ, मैं कैंप में थी। अभी भी रोती हो कभी बैठ कर? हाँ, रोना तो आता ही, याद आता है सब, माँ बहन नहीं है, भाई छोटे छोटे, एक भाई है और एक मैं हूँ, 2 ही बच्चे हम, और पापा है और भाभी है, भाई के बच्चे है। आप बहुत डिप्रेशन में चली गई थी ना? हाँ, बीच में तो बहुत बीमार हो गई थी मैं, अभी भी दवाई चल रही है मेरी। गुस्सा आता है? बिल्कुल, बहुत गुस्सा आता है कि सामने आ जाए तो हम बीमार हैं, उसको हमारा जीना भी बहुत मुश्किल हो गया है, क्या करेंगे हम, बस रोते रोते निकाल दिए, 10 साल होने आए। इंसाफ की लड़ाई में बिल्किस बानो को बड़ी जीत मिली है। वही बिल्किस बानो जो 5 महीने की गर्भवती थी, और गुजरात दंगे के दौरान 11 दरिंदों ने उसके साथ जघन्य अपराध किया। हालांकि उन्हें उस अपराध की सजा भी मिली, उम्र कैद, लेकिन गुजरात की बीजेपी सरकार ने उन दोषियों को माफ करते हुए 14 साल में रिहा कर दिया था। बीजेपी से अच्छा खासा नाता था,
गैंगरेप के ये दोषी बीजेपी के माननीयों के साथ मंच साझा करते हुए देखे गए और शायद यही वजह रही होगी उन दोषियों को माफी देने की। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को जमकर फटकार लगाई और उसके उस फैसले को पलट दिया है, साथ ही इसे फ्रॉड एक्ट करार दिया है। कोर्ट का यहाँ तक कहना था कि गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के साथ फ्रॉड किया है, तथ्य छिपाए हैं और दोषियों की रिहाई का अधिकार गुजरात सरकार नहीं बल्कि महाराष्ट्र सरकार के पास था, इसलिए गुजरात सरकार का ये फैसला अमान्य है और उन दोषियों की रिहाई को रद्द किया जाता है। यानी अब उन 11 दोषियों को 2 हफ्ते के भीतर भीतर सरेंडर करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम तमाचा मारा है बीजेपी गुजरात की सरकार पर बिल्किस बानो के केस को लेकर। आप जानते होंगे क्या हुआ था, बिल्किस बानो नाम की महिला जिसके पूरे परिवार को दंगे में दंगाइयों ने संगी नफरत बाजों ने मार डाला था, बिल्किस बानो को मारा पीटा था, उसका बलात्कार किया था, गर्भवती बिल्किस बानो को बेताशा मारा पीटा था बलात्कार के बाद, जिसके बाद उनको उम्र कैद हुई थी। बीजेपी की सरकार ने होम मिनिस्ट्री के रिकमेंडेशन के ऊपर उनको बरी कर दिया था पिछले साल, ये कहकर कि इनका जो व्यवहार है बहुत अच्छा हो गया है, आचरण अच्छे हो गए हैं, बहुत अच्छे लोग हैं ये। और अब सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम तमाचा चलाया है, मारा है, सुप्रीम हथौड़ा चलाया है और ये कहा है कि छोड़ा कैसे इनको बाहर, और आखिरकार इन्हें वापस जेल में डाला गया है। लेकिन क्या लोग पूछेंगे कि जब गुजरात में चुनाव हो रहा था तो गुजरात के चुनाव से पहले पूरी बीजेपी ऊपर से नीचे तक, क्या अमित शाह जी, क्या मोदी जी, क्या भूपेंद्र पटेल जी मुख्यमंत्री, इन सब के नाक के नीचे उन कातिलों को, बलात्कारियों को छोड़ा गया, चुनाव में उसका फायदा लिया गया और चुनाव जीत लिए गए, और अब सुप्रीम कोर्ट में जब आता है फाइनली तो उनको वापस डाला जाता है। खैर देर आए दुरुस्त आए, लेकिन ये हकीकत है बीजेपी।